हेलो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये वाली वीडियो जो है वो मेड फॉर किड्स में जाएगी, तो उसके नीचे कमेंट्स की जो है ना वो प्रोविजन नहीं होती कि आप कमेंट्स नहीं कर सकते। बट फिर भी अगर आप कुछ मुझे बोलना चाहते हो इस पोएम के बारे में या किसी और लेसन के बारे में, तो मेरी किसी और वीडियो के नीचे जहाँ पर कमेंट्स एबल है, मतलब जहाँ पर कमेंट्स डिसेबल नहीं है, वहाँ पर आप जाकर मुझे कमेंट कर देना, मुझे बता देना और मैं समझ जाऊँगी कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज ये पोएम जो है बर्ड टॉक। ये जो ये वाली बुक है मैरीगोल्ड बुक 3, ठीक है, थर्ड क्लास की जो बुक है इंग्लिश की, उसका है यूनिट 2 का ये जो पोएम है उसके अंदर वो हम करने जा रहे हैं बर्ड टॉक। ठीक है, मैं आज आपको पोएम समझाऊंगी और कल जो है हम इसके सारे एक्सरसाइजेस, क्वेश्चन आंसर्स और बाकी सारी एक्सरसाइजेस कल हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पोएम है बर्ड टॉक, जैसे कि बर्ड्स जो है वो बातें कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि बर्ड्स बातें कर रहे हैं। ठीक है, थिंक सेड द रॉबिन। अब रॉबिन ना एक बर्ड है, तो रॉबिन किस तरह का बर्ड होता है? रॉबिन जो है एक ब्यूटीफुल यूरोपियन बर्ड होता है। ठीक है, ये रॉबिन है। ठीक है, तो रॉबिन एक ब्यूटीफुल बर्ड होता है, बहुत ही सुंदर होता है, जिसकी जो चेस्ट है ना वो रेड कलर की होती है। ठीक है, तो ये है रॉबिन। और थिंक सेड रॉबिन, रॉबिन ने कहा सोचो, थिंक का मतलब सोचो। जे ने कहा थिंक सेड द जे, और जे ने कहा सोचो। जे कौन होता है? जे भी एक बर्ड ही है, एक पक्षी है, वो ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, नॉर्दर्न अमेरिका का बर्ड है वो। और किस तरह का बर्ड होता है वो? जो कि ब्राइट ब्लू कलर का होता है। आप देख रहे हैं, ये ब्राइट ब्लू कलर का बर्ड होता है और उसकी जो चेस्ट होती है वो ग्रे कलर की होती है। ठीक है, तो इस तरह का बर्ड होता है ये जे। तो ये है जे और ये है रॉबिन। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी अब आपको इसके बाद। थिंक सेड द रॉबिन, रॉबिन ने कहा सोचो। थिंक सेड द जे, जे ने कहा सोचो। सिटिंग इन द गार्डन टॉकिंग वन डे, एक दिन वो बैठे हुए थे गार्डन में, टॉकिंग वन डे मतलब बातें कर रहे थे। एक दिन गार्डन में बैठे हुए जब बातें कर रहे थे रॉबिन और जे, तो दोनों ने कहा सोचो सोचो। देखते हैं अब ये क्या सोच रहे हैं। ठीक है, थिंक अबाउट पीपल द वे दे ग्रो, सोचो कि लोग किस तरह से ग्रो करते हैं। ग्रो का मतलब होता है बढ़ना, कि लोग कैसे ग्रो करते हैं। जो पीपल होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम बर्ड्स के बारे में बात करते हैं, एनिमल्स के बारे में बात करते हैं, जो बर्ड्स हैं वो हमारे बारे में बात करते हैं। तो उन्होंने कहा सोचो लोगों के बारे में कि वो कैसे बढ़ते हैं, बड़े होते हैं। ठीक है, दे डोंट हैव फेदर्स, फेदर्स का मतलब होता है पंख, कि उनके पंख भी नहीं होते उनके, दे डोंट हैव फेदर्स, उनके पंख नहीं होते हैं। They don't have feathers at all, मतलब बिल्कुल भी उनके पंख नहीं होते हैं, you know, क्या तुम्हें पता है। फिर उसके बाद वो करते हैं बात, they don't eat beetles, और वो beetles भी नहीं खाते हैं। beetles क्या होते हैं? एक तरह के insects होते हैं, मतलब कीड़े होते हैं, जिनको ये जे और रॉबिन और पक्षी जो हैं वो खाते हैं। ठीक है, कि जो लोग हैं, जो people हैं, वो beetles भी नहीं खाते हैं, कीड़े मकौड़े भी नहीं खाते हैं। दे डोंट ग्रो विंग्स, और उनके पंख भी नहीं बढ़ते हैं। फेदर्स का मतलब भी बच्चों पंख होता है और विंग्स का मतलब भी पंख ही होता है। ठीक है, दे डोंट ग्रो विंग्स, उनके विंग्स भी नहीं बढ़ते हैं, मतलब होते ही नहीं है उनके, ग्रो ही नहीं होते पंख उनके। दे डोंट लाइक सिटिंग ऑन वायर्स एंड थिंग्स, और उनको वायर्स, वायर्स मतलब क्या होता है? तारे, तारे होती है ना, जो आपको पता है बिजली की तारे और दूसरी तारे जो भी हमारे घरों में लगी होती है कपड़े सुखाने के लिए बाहर, है ना, बाहर की तरफ, तो उन पे पक्षी आकर बैठ जाते हैं ना, आपने देखा होगा। तो कहते हैं कि उनको अच्छा ही नहीं लगता तारों पे और थिंग्स पे, मतलब चीज़ों पे बैठना। थिंग्स का मतलब होती है चीज़ें। ठीक है, तो उनको अलग अलग चीज़ों पे, जैसे पक्षी क्या होता है, किसी भी चीज़ पे आकर बैठ जाते हैं, उनको वो चीज़ अच्छी लगती है। तो कहते हैं दे डोंट लाइक सिटिंग ऑन फायर्स एंड थिंग वायर्स एंड थिंग्स, तो उनको वायर्स पे और थिंग्स पे बैठना अच्छा ही नहीं लगता। ये तारे हैं, ठीक है, वायर्स तारे नहीं, जो वो तारे तो जो होते हैं ना आसमान में वो होते हैं, ये तारे जो लंबी लंबी तारे लगी होती हैं वो है ये। ठीक है, थिंक सेड द रॉबिन, थिंक सेड द जे, फिर रॉबिन ने कहा सोचो कि कैसे ये डिफरेंट तरह के इंसान है, ये इंसान जो कितने डिफरेंट तरह के हैं, ना उनके पंख होते हैं, ना वो कीड़े मकोड़े खाते हैं, ना उनको तारों के ऊपर बैठना अच्छा लगता है, ना उनको किसी चीज़ के ऊपर बैठना अच्छा लगता है। थिंक सेट द जे, जे और रॉबिन दोनों ने बोला सोचो सोचो। थिंक का मतलब क्या होता है? सोचना। ठीक है, aren't people funny to be that way, क्या इस तरह से जो लोग हैं वो फनी नहीं होते? फनी का मतलब होता है मजेदार या फिर अजीब।
तो क्या आपको नहीं लगता, मतलब एक दूसरे से को बोलते हैं कि क्या इस तरह से जो पीपल होते हैं, जो लोग होते हैं, पीपल का मतलब तो आई होप आपको पता होगा ना, पीपल का मतलब होता है लोग, ठीक है, कि इस तरह से जो लोग हैं वो क्या अजीब नहीं होते, अजीब तरह के होते हैं लोग, है ना, उनके हिसाब से। तो एक क्वेश्चन कर रहे हैं वो, आरंट पीपल फनी टू बी दैट वे। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी, एक बारी मैं रीड करके दोबारा से आपको बता देती हूँ, ठीक है, सो दैट आप इसको रीड भी कर पाए और फिर लर्न भी कर लें, ठीक है। बर्ड टॉक, थिंक सेड द रॉबिन, थिंक सेड द जे, सिटिंग इन द गार्डन टॉकिंग वन डे, थिंक अबाउट पीपल द वे दे ग्रो, दे डोंट हैव फेदर्स एट ऑल यू नो, दे डोंट ईट बीटल्स, दे डोंट ग्रो विंग्स, दे डोंट लाइक सिटिंग ऑन वायर्स एंड थिंग्स। थिंक सेड द रॉबिन, थिंक सेड द जे, आरंट पीपल फनी टू बी दैट वे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये सारा। इसमें न्यू वर्ड्स जो है बीटल्स, सिटिंग, वायर्स एंड फनी, मैंने सबके मीनिंग्स जो है यहाँ पे लिख दिए हैं, तो आपको पोएम करवाते करवाते तो ये न्यू वर्ड्स हैं, इनके मीनिंग्स भी आपको पता चल गए होंगे। तो आई होप आपको उस पोएम समझ में आ गई, और कल जो मैं इसके एक्सरसाइजेस जो हैं, सारी क्वेश्चन आंसर्स भी और सारी एक्सरसाइजेस जो आपको करवा दूंगी। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक के बटन को जरूर प्रेस कर देना, और इसी तरह की वीडियोस अगर आप चाहते हो कि आपको मिलती रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप पढ़कर इंटेलिजेंट बनते चले जाए। तो चलिए करते हैं अब गुड बाय, जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ्स।